साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों आज हम सपने के बारे में कुछ खास बातें करेंगे कि अगर सपने में कुछ चीजें अगर हमें दिखाई देती हैं तो इनका अर्थ क्या होता है। दोस्तों अगर कुछ सपने आते हैं, अगर हम उन चीजों में विचार नहीं कर रहे हैं, मतलब कि कभी हमने कोई इन चीजों को सोचा नहीं है और वैसी चीजें अगर हमको सपने में दिखाई देने लगती है तो ईश्वर के कुछ संकेत होते हैं। क्योंकि हमारा अवचेतन मन जो होता है, ये हमें जो ये चेतन मन होता है और अवचेतन मन होता है, यानी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन जो होता है ये वास्तविकता में होता है, लेकिन अवचेतन मन जो होता है ये स्वयं परमात्मा कहा गया है। तो जो दोस्तों अगर आपको कुछ सपने आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका अवचेतन मन आपको संकेत दे रहा है कि आपके साथ में अब ये होने वाला है। तो जिन चीजों के हम बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, लेकिन वो चीजें अगर हमको सपने में दिखाई देने लगे तो ईश्वर के कुछ संकेत होते हैं। और हमें इनको क्या करना चाहिए, अगर ऐसे सपने मिल रहे हैं, ऐसे सपने अगर आपको आ रहे हैं, तो ऐसे सपनों को गुप्त रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम इनको सपनों को किसी को बता देते हैं तो इनका जो असर होता है वो कम हो जाता है। तो सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको सफेद हाथी दिखाई देता है, अगर सफेद हाथी आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपार धन मिलने वाला है। कहीं से भी अचानक आपको अपार धन की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा कुछ मेहनत करना होगा, आपको अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी कि आपको ऐसे कुछ ऑफर मिल सकते हैं, ऐसे कुछ धन प्राप्ति के साधन मिल सकते हैं कि आपको यहां से धन की प्राप्ति हो। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको सफेद सांप दिखाई दे रहा है, सफेद सांप दिखाई देने का मतलब यह होता है कि आपको कहीं से भी जो भी धन से संबंधित परेशानी है, आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है या आपने किसी को दिया है, आपको उसको लेना है, वो आपको वापस नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या है कि अब वो आपके पास पैसे आपको वापस करने वाला है, ये इस बात का संकेत होता है। तीसरी बात करते हैं मोर की, अगर सफेद मोर दिखाई दे रहा है आपको तो मोर का मतलब ये होता है कि आपको चारों तरफ से मान सम्मान मिलने वाला है। अगर आपकी कोई नौकरी है, वहां पर आपको यदि प्रमोशन नहीं हो रहा है या सैलरी आपकी नहीं बढ़ रही है, तो अगर सफेद मोर आपको दिखाई दे जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी लगने वाली है, और कहीं अगर आपकी नौकरी है तो इसका मतलब ये है कि वहां आपका प्रमोशन हो सकता है, वहां पर आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल सकती है और आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों सपने जो होते हैं, सपने में हमें जो भी दिखाई दे रहे हैं, अब मैं बात करता हूं कि भगवान, अगर आपको कोई भी अगर भगवान दिखाई देते हैं, आपके इष्ट देवता दिखाई देते हैं, या आपको गणेश भगवान दिखाई देते हैं, हनुमान जी दिखाई देते हैं, या कोई भी भगवान आपको सपने में दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, उन भगवान की कृपा, उन भगवान की शक्ति आपके साथ में है। तो ऐसे सपने अगर आपको आते हैं, किसी भी भगवान का सपना आता है, तो ये सपने क्या करें, गुप्त रखें। और जिस भी भगवान का आपको सपना आता है तो आपको क्या करना है, उन भगवान की पूजा अर्चना आपको शुरू कर देनी चाहिए और आपकी जो भी मनोकामना है उनके समक्ष आपको रख देनी चाहिए, और अपने उन्हीं भगवान की, जो भगवान आपको दिख रहे हैं, तो उन भगवान के मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए आपको, उन भगवान के जो स्त्रोत्र होते हैं उनका पाठ कर लेना चाहिए आपको, और उनसे उनको जो प्रिय प्रसाद होते हैं, जो उनको प्रिय पुष्प होते हैं, वो चीजें उनको आपको अर्पित करना शुरू कर देना चाहिए, और साथ में भगवान की आपको पूजा करना शुरू कर देना चाहिए। तो आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं या आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे होते हैं, परेशानी आ रही होती है, तो वो बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। ये हो गया भगवान का, अगर भगवान आपको सपने में दिखाई देते हैं तो। अब बात करते हैं अगर आपको फूल दिखाई दे रहे हैं, आपको यदि सपने में कुछ पुष्प दिखाई दे रहे हैं, या पुष्पों से भरा आपको बगीचा दिखाई दे रहा है, या फिर पुष्पों के आपको पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं सपने में, या आप कहीं बाग में हैं, या आप पुष्प तोड़ रहे हैं, और या फिर टोकरी भरी हुई है पुष्पों से, या पुष्प आपको गिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा सपना जो होता है ये बहुत ही शुभ संकेत लेकर के आता है। इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में प्रेम की बढ़ोतरी होने वाली है। अगर आपकी मैरिज लाइफ नहीं है, आपकी मैरिज नहीं हुई है, आप यदि लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में कोई प्रेमी या प्रेमिका आने वाला है, या फिर आपको बहुत सारी धन की जो है समृद्धि वगैरह वो प्राप्त होने वाली है, चारों तरफ से आपको मान प्रतिष्ठा मिलने वाला है। अगर ऐसा सपना आपको दिखाई देता है तो ऐसे सपनों को आपको हमेशा गुप्त रखना चाहिए। और एक चीज और करना चाहिए कि जो भी पुष्प आपको दिखाई दे रहा है, सपोज आपको कमल का पुष्प दिख रहा है, चमेली का दिख रहा है, चांदनी का दिख रहा है, गेंदे का दिख रहा है, जो भी पुष्प आपको दिख रहा है सपने में, तो उस पुष्प को क्या करना है, आपको जो भी मनोकामना है आपकी, आपको उसी दिन से, जिस दिन सपना आया है उसी दिन से, वो पुष्प आपको अपने इष्ट देवता को, जो भी आपके भगवान है जिनको आप मानते हैं, उनको वो पुष्प आपको अर्पित कर देना चाहिए। और आपको अपनी मनोकामना, जो भी आपको मनोकामना है, आपकी पैसों से रिलेटेड है, प्रेम से संबंधित है, जो भी है, तो वो मनोकामना आपको बोल देनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। लेकिन इस उपाय को आपको गुप्त रूप से करना चाहिए, ये उपाय आपको किसी को बताना नहीं है, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको इस रास्ते में आगे बढ़ना है। ऐसा करने से आपकी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी और आपको हर कार्य में उसको सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं दोस्तों एक बहुत ही खास सपने की।
अगर आपको सपने में अगर चांदी से भरा कलश जिसमें कुछ सिक्के भरे हुए हैं या सोने से भरा कोई कलश आपको दिखाई देता है, तो ये साफ साफ आपको संकेत है कि माता लक्ष्मी की या फिर भगवान धन्वंतरी की आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा विशेष कृपा होने वाली है। अगर ऐसा कोई भी सपना आपको नजर आता है जिसमें सोने के सिक्के हैं कलश भरा हुआ है या चांदी के सिक्के हैं कलश भरा हुआ है, या किसी मंदिर में आप देख रहे हैं कि नॉर्मली नारियल रखा हुआ कलश भरा हुआ है, या किसी मंदिर में जोत जलती हुई आप देख रहे हैं, तो ये साक्षात कृपा होती है माता लक्ष्मी की कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर बहुत जल्दी कृपा बरसाने वाली है। लेकिन इसके जगह आपको क्या करना है, कुछ उपाय कर लेने चाहिए। अगर ऐसे सपने आपको दिखते हैं तो ये शुभ संकेत होते हैं, तो आपको इनको किसी को बताना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो इस बात को गुप्त रखें। उसके बाद में अगर आपको मंदिर में कलश दिखाई दे रहा है, तो आपको कोई भी मंदिर आसपास हो तो वहां पर आपको एक दिया डेली जलाना शुरू कर देना चाहिए। शुक्रवार या गुरुवार से आपको एक दिया रखना शुरू कर देना चाहिए, इससे आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। और यदि आपकी कर्ज की समस्या है और कर्ज की समस्या और आपको यह सपना दिखाई दे रहा है, तो आपकी कर्ज की समस्या दूर होने वाली, ये माता लक्ष्मी का संकेत होता है। ऐसे सपने अगर दिखाई देते हैं तो इनको बिल्कुल गुप्त रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। अब दोस्तों एक बात कर लेते हैं काले सांप की। अगर आपको सपने में काला सांप दिखाई देता है तो ये साक्षात महादेव की कृपा होने का संकेत होता है। अगर काला सांप आपको कहीं भी दिखाई देता है तो आपको बिल्कुल भी इसको गुप्त रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए कि महादेव की पूजा आपको महामृत्युंजय मंत्र के साथ में कर देना चाहिए, करना शुरू कर देना चाहिए। और भगवान शंकर जी को शिवलिंग पे, अगर घर में है तो ठीक है, नहीं तो बाहर कहीं मंदिर में शिवलिंग है तो साबुत अक्षत चावल ये ले जाकर के आपको सोमवार से, शुक्ल पक्ष के सोमवार से महादेव जी की पिंडी में अगर आप चावल चढ़ाना शुरू करें और ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम सोम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे और शंकर जी को यदि आप चावल चढ़ाएंगे, तो आपकी जिंदगी में धन से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड या फिर प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो ये सब चीजें प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अगर कर्ज की समस्या है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों स्वप्न शास्त्र की कुछ खास बातें जो मैंने आपको बताई है। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।